भुवन में सार वीत राघ विज्ञान था, शिव स्वरूप शिव कार न मैं हूँ त्रियोग संहारी के, न मैं हूँ त्रियोग संहारी के। दौलत राम जी द्वारा लिखित यह छेड़ाला नामक ग्रंथ, और आज इस छेड़ाला का अपना यह अंतिम प्रवचन। छठी ढाल की चर्चा करनी है एक ही प्रवचन में। पिछले दिनों में हम आपके बीच में एक एक ढाल की चर्चा एक एक दिन में कर चुके हैं। विस्तार से चर्चा के सारे प्रवचन छेड़ाला वीडियो यूट्यूब पर प्लेलिस्ट पर अवेलेबल हैं। संक्षेप में जानकारी रखने वालों के लिए, संक्षिप्त रुचि रखने वालों के लिए, संक्षेप में आइडिया लेने वालों के लिए कि आखिर इस छेड़ाला की स्थिति कैसी है, छेड़ाला की पोजीशन कैसी है, छेड़ाला में विषय वस्तु कौन सी है, छेड़ाला में वर्णन क्या किया है, उसकी चर्चा यहाँ हम एक एक ढाल के माध्यम से करते हुए, कल वैराग्य में वारे भावनाओं की चर्चा कर चुके हैं। वैराग्य वैराग्य और वैराग्य उत्पन्न हो जाने के बाद में कैसी दशा होती है मुनि दशा, उसका चित्रण यहाँ इस छठी ढाल में हमारे भावलिंगी संतों की चर्चा की जा रही है। कैसे होते हैं हमारे महामुनिराज, कितना आनंदमय जीवन होता है मुनिराजों का। मुनिराज भोगते सुख की खान, आनंदमय जीवन है जिनका, उत्कृष्ट जीवन है जिनका। जिनको देखने मात्र से संसार शरीर और भोगों से विरक्ति होती है, ऐसे होते हैं महामुनिराज। जिनको देखने मात्र से हमें पता लगता है सच्चा सुख क्या है, जिन्हें देखने से पता लगता है सुख नहीं विषय भोगों में है, तुमको लख यह सद्ज्ञान हुआ। हे मुनिराज, हे वीतरागी संतों, आपको देखने मात्र से हमें इस बात का पता लग जाता है कि इन विषय भोगों में आनंद नहीं है, घर गृहस्थी में आनंद नहीं है, संयोगों में आनंद नहीं है, परिग्रह में सुख नहीं है, ये पता लगता है मुनिराजों को देखने मात्र से। कैसे हैं हमारे महामुनिराज, उन महामुनिराजों के किस प्रकार के मूल गुण होते हैं, उनकी लाइफ स्टाइल किस प्रकार की होती है, जगत के जीवों को उनमें कष्ट दिखाई देता है और मुनिराज को ये जगत में संयोगों में परिग्रह में रहते हुए विषय भोगों और संपत्ति के बीच में रहते हुए जीव महापागल और महादुखी नजर आते हैं। मुनिराज को लगता है दुखी है, दुखी ये महादुखी है मुनिराज। मुनिराज को लगता है ये महादुखी है गृहस्थ, और गृहस्थ कहता है बेचारे मुनिराज, बेचारे कहां देख तू आनंद की दशा। छठी ढाल पहला छंद, पांच महाव्रतों की चर्चा को यहां से प्रारंभ किया। षटकाय जीवन हनन ते, षटकाय जीवन हनन ते, सब विधि दरव हिंसा टरी, रागादि भाव निवारिते, हिंसा ने भावित अवतरी। पांचवी ढाल की तुलना में छठी ढाल डबल है, चार चार लाइन के छंद है, इसलिए मैं छंद नहीं बोलूंगा आज, सीधा अर्थ कर रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, मार्मिक विषय वस्तु है। छह काय के जीवों को हनन नहीं करते, षट काय के जीवों को, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, दो, ये पांच स्थावर, ये पांच काय हैं। एक होता है त्रस, पांच और एक, ये कहलाते हैं छह काय। षट काय जीव न हननते, इनकी हिंसा से जो विरक्त हो गए हैं, सब प्रकार से जिनकी द्रव्य हिंसा टल गई है, अहिंसा महाव्रत के धनी है। कैसा है उनका अहिंसा महाव्रत, रागादि भाव जिनके निकल गए हैं, और भाव हिंसा जिनके अवतरित नहीं होती है, जिनको किसी के प्रति राग नहीं है, जिन्हें किसी के प्रति द्वेष नहीं है, शत्रुओं को देख करके जिन्हें विरोध का भाव नहीं आता है, मित्रों को देख करके जिनके जिनके हृदय में अनुराग का भाव नहीं आता है, क्योंकि ये मित्रता और अनुराग का भाव ये हिंसा है। मित्रता का भाव, दुश्मनी का भाव, नाराजगी का परिणाम, इसे भाव हिंसा कहते हैं, क्योंकि राग और द्वेष है ना। रागादि भाव निवारिते, राग द्वेष का परिणाम भी जिनके निकल गया है, ऐसे हमारे महामुनिराज होते हैं। ये हो गई अहिंसा महाव्रत की चर्चा। सत्य, सत्य महाव्रत कैसे हैं, लेश मृषान है, जिनके लेश मात्र भी झूठ नहीं है, सहज सहज रहते हैं बिल्कुल, लेश मात्र भी झूठ नहीं। अरे झूठ बोलने का काम क्या, मुझे ये बताओ क्यों झूठ बोले, किससे झूठ बोले, किसी से कोई लाग लपेट नहीं है, दुनिया भर की षड्यंत्र रचते रहो साहब, इसके लिए ऐसा बोल दिया, उसके लिए ऐसा बोल दिया, लेकिन क्यों
लेश मृषा, मृषा माने होता है झूठ, लेश मात्र भी झूठ नहीं है। और जल मरण हूं बिना दियो गहे, जल और मिट्टी बिना दिए हुए ग्रहण नहीं करते, जल और मिट्टी भी ग्रहण नहीं करते। कुछ विशेष परिस्थितियों में, परिस्थितियां इस प्रकार की हो जाए, जंगल की मिट्टी हो, झरनों का जल हो जिस पर किसी का कोई अधिकार नहीं बनता हो, परिस्थिति इस तरह की हो जाए, शौच आदि बहुत हो जाए, कमंडल का पानी खत्म हो जाए, दस्त लग जाए, कुछ इस तरह की परिस्थिति हो, तो कदाचित वो ग्रहण करें, फिर उसके बाद में प्रायश्चित आदि ले लेते हैं। वो सब होता है उनके। वो राजमार्ग नहीं है, अपवाद मार्ग है, अपवादजनक परिस्थितियां है वो। तो ये हो गई अचौर्य व्रत की दशा, अचौर्य महाव्रत के धनी। इसी तरह से उनका ब्रह्मचर्य देखो आप, मुनिराजों का क्या ब्रह्मचर्य होता है। वे मुनिराज 28,000 प्रकार के, 18,000 कितने बोले मैंने, 28 बोले क्या, 18,000 सहस माने हजार, 8,000 18,000 प्रकार के शील का वे पालन करते हैं। गजब हो गया, 18,000 प्रकार के शील का पालन कैसे होता होगा? हमने सारे भेद बतलाए थे आपको, विस्तार से जानना हो तो छठी डाल का पहला प्रवचन सुन लेना, आपको ख्याल में आ जाएगी। चेतन स्त्री, अचेतन स्त्री, चेतन के अंदर मन वचन काय से, कृतकारित अनुमोदना से, कषायों से, प्रणव सब प्रकार से मिला करके, कितने प्रकार से स्त्री संपर्क का त्याग, चित्त में विकल्प मात्र भी नहीं आता स्त्रियों के प्रति। कैसा उत्तम ब्रह्मचर्य है उनका, साथ हाथ दूर रहते हैं स्त्रियों से, दूरी बना करके रखते हैं आहारचर्या को छोड़ करके, चिद ब्रह्म में नित्य रमी रहे। हिसाब ये ब्रह्म, असली ब्रह्मचर्य, निश्चय ब्रह्मचर्य और व्यवहार ब्रह्मचर्य दोनों बता दिया। बाहर में स्त्री संसर्ग से दूर, ये व्यवहार ब्रह्मचर्य, और निश्चय में चैतन्य रूपी ब्रह्म आत्मा में, ब्रह्म आत्मा का पर्यायवाची है, ब्रह्म, ब्रह्म कहते हैं आत्मा को, ब्रह्मचर्य आत्मा में चरण करने का नाम ब्रह्मचर्य है। अब जिन्हें ब्रह्म की खबर नहीं हो, ब्रह्म का नाम जिन्हें सुहाता नहीं हो, ऐसे ब्रह्मचारी भी दिखते हैं हमारे को कई दुनिया में, जिन्हें ब्रह्म नहीं सुहा रहा है, जिन्हें आत्मा की चर्चा नहीं सुहा, क्या आत्मा फात्मा की चर्चाएं करते हो ऐसा बोलते हैं। तो आत्मा की चर्चा सुहाती है कि नहीं, पसंद आती है कि नहीं आत्मा की चर्चा? यदि तुम्हें आत्मा की चर्चा पसंद आती है तो इसका मतलब तुम्हें पात्रता है मुनि बनने की और परमात्मा बनने की। चिद ब्रह्म में नित्य रमी रहे। देखिए फिर क्या कहते हैं, परिग्रह परिमाण जिनका, अंदर में 14 प्रकार के और बाहर में 10 प्रकार के, टोटल 24 प्रकार के परिग्रहों से जो रहित हैं। संग माने होता है परिग्रह, चतुर्दश माने होता है 14 भेद, और दश धाम माने 10। तो इस प्रकार 24 प्रकार के परिग्रहों से जो रहित हैं वे हमारे महामुनिराज। परिग्रह 24 भेद त्याग करें मुनिराज जी। फिर क्या कह रहे हैं भाई साहब, पांच समितियों की चर्चा करना शुरू कर दिया, पांच महाव्रतों के बाद में क्या क्या है। सबसे पहले ईरिया समिति, ईरिया समिति माने क्या, भीग करके चलते हैं। पांच समितियां माने मुनिराज चलते कैसे हैं, मुनिराज बोलते कैसे हैं, मुनिराज खाते पीते कैसे हैं, मुनिराज उठते बैठते कैसे हैं, मुनिराज शौच आदि के लिए ये प्रवृत्तियां हैं। समिति में प्रवृत्तियों की चर्चा की है, कहते हैं प्रमाद को छोड़कर, चौकर मही लखी, चौकर, कर माने होता है हाथ, ये हाथ इतना होता है, इतना होता है हाथ, लगभग 1.5 से 1.5 फुट के बीच का एवरेज आता है वो। तो चार हाथ जमीन देख, मही माने पृथ्वी देख कर, समिति ईरिया ते चले, ईरिया समिति से चले। अरे कुल मिलाकर के बात ये है, कोई नापते वापते नहीं है, मैंने 5-6, 5.5-6 फिट के आसपास की बात कही थी एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके। लोगों ने कहा साहब वो इतना ही देखते होंगे कि आदिनाथ भगवान बाहुबली इतना देखते होंगे क्या, हाइट इतनी थी, चक्कर में मत उलझो, सीधी सीधी सी बात समझो, स्वयं के चार हाथ, स्वयं की हाइट के हिसाब से, और रफली आइडिया इतना समझो, सीधे खड़े होने पर आपकी निगाह नीचे करने पर जितनी डिस्टेंस दिखाई देती हो पैरों से आगे, चलते समय जमीन दिखती रहे उतनी जमीन देख करके चलते हैं ईरिया समिति से। और भाषा समिति क्या है, जग का भला करने वाली, सबका अहित हर लेने वाली, सुनने में, श्रुति माने सुनने में सुखद, और सब संशयों को हर लेने वाले,
ब्रह्म रूपी रोग का हरण कर देने वाले जिनके वचन मानो मुख रूपी चंद्रमा से अमृत झरता हो, देखने मात्र से जिनकी वाणी से अमृत टपकता हो, ऐसे होते हैं वहां मनिराज। वचन किस प्रकार के होंगे मनिराज के, बोलते कैसे हैं वो? ऐसे लगते हैं जैसे मीठी वाणी बोल के जग अपनों कर लेत। क्या सिर्फ वाणी का ही खेल है? हितकारी वचन, और हितकारी वचन वे होंगे जिसमें आत्मा की चर्चा होगी, हितकारी वचन वे होंगे जिसमें मोक्ष मार्ग की चर्चा होगी। सच्ची करुणा मुनिराजों के हृदय में वो होती है जब जगत के जीवों को देखकर जगत को मुक्ति के मार्ग का उपदेश देते हैं। जगत के जीव घर गृहस्थी में रहते हुए दुखी और जंजाल में फंसे हुए नजर आते हैं, तब जाकर के मुनिराज को लगता है हितकारी उपदेश दो इनको, बाकी और हितकारी क्या होगा, और हित क्या चीज हो सकती है बताओ मेरे को, इसी का नाम तो हित है, नहीं तो भला क्या है। और दो हो गए छंद, तीसरा देखो फटाफट, समय तो दौड़ता है भाई। तीसरा छंद में क्या कहा है, आगे आगे की समितियों की चर्चा की। 46 दोष नहीं होते, आहारचर्या एशना समिति 46 दोष और 32 अंतराय टालकर अच्छे कुल वाले श्रावक के घर में भोजन को ग्रहण करते हैं, तप बढ़ाने के लिए ग्रहण करते हैं, ले तप बढ़ावन हेतु, तन के पोषण करने के लिए नहीं लेते, हट्टे कट्टे होने के लिए नहीं लेते, मजे करने के लिए नहीं लेते हैं। भोजन भोजन में उनको मजा आता हो ऐसा नहीं है, तप बढ़ाने के लिए। भाई शरीर की स्थिरता रहेगी, शरीर बराबर चलता रहेगा, तो शरीर बराबर चलता रहेगा तो ध्यान करते रहेंगे, तपस्या करते रहेंगे, साधना बराबर होती रहेगी, इसलिए यह है एशना समिति। चौथी है आदान निक्षेपण, वस्तु को उठाना और वस्तु को धरना। तो उठाना और धरना इसमें सावधानी, शुचि ज्ञान संयम उपकरण, तीन उपकरण होते हैं मुनिराजों के, चौथा परिग्रह नहीं होता मुनिराजों के पास में। शौच का उपकरण कमंडल, संयम का उपकरण पीछी, और ज्ञान का उपकरण शास्त्र। लखी के माने देख करके ग्रहण करते हैं, देख करके धरते हैं, और ये चार हो गई। और पांचवा है प्रतिष्ठापना समिति, निर्जंतु स्थान को देखकर, जिस जगह पर जीव जंतु नहीं है ऐसे स्थान को देखकर मल मूत्र शौच टॉयलेट करेंगे उस जगह पर, समझिए आप उस जगह पर कफ थूकेंगे, कफ बन गया है उसे थूकेंगे, तो देख करके थूकेंगे जमीन। निर्जंतु स्थान को देख करके मल मूत्र का परिहार करते हैं। तो इस तरह से पांच महाव्रत और पांच समितियों की चर्चा हुई। फिर भले प्रकार से चौथे छंद में क्या कह रहे हैं, भले प्रकार से मन वचन और काय की प्रवृत्तियों को रोककर आत्मा का ध्यान करते हैं। क्या आत्म ध्यान में तल्लीन है मन वचन काय को रोककर, ये हो गई गुप्तियां। और कैसी स्थिरता होती है कि उनकी स्थिर मुद्रा को देखकर, तिन माने उनकी स्थिर मुद्रा को देखकर मानो हिरणों के समूह और पशुगण उन्हें पत्थर समझ करके अपनी खाज खुजाते हैं। सोचो जरा, मुनिराज ध्यान अवस्था में बैठे हुए हैं, इतने निश्चल हैं, हिल नहीं रहे हैं, हिलडुल नहीं रहे हैं, और वो पशुओं को देख करके ऐसे लगता है कि ये कोई पाषाण की मूर्ति है, और उनसे जाकर के अपने खाज खुजाते हैं। ऐसी स्थिति होती है मुनिराजों की। ये मन वचन काय, ये उनकी चंचलता इस प्रकार से रुक जाती है। फिर ये कितने हो गए, पांच महाव्रत और पांच समिति। गुप्तियां मूल गुणों में नहीं है, स्वरूप में शामिल है। तो मुनिराजों के पांच इंद्रिय विजय, पांचों इंद्रियों के विषयों पर विजय प्राप्त करते हैं। क्या क्या बातें हैं देखो तो सही। आप रस, रस नहीं आ रहा है खाने में। रूप, देख देख करके जगत के पदार्थों को, कलर्स को देख देख करके आकर्षित नहीं होते हैं। गंध और स्पर्श और शब्द, ये पांचों ही इंद्रियों के विषय, शुभ हो या अशुभ हो, सुहावने हो या असुहावने हो, तिनमें न राग विरोध, पंचेंद्री जयन पद पावने, उनमें न राग होता है न उनमें विरोध होता है। क्यों करें बतलाओ राग? मैंने बार बार में रह रह करके ये बात आती है, वो किसी कलर को देख करके अट्रैक्ट क्यों होंगे? उनका अट्रैक्शन अपने स्वभाव के प्रति है। किसी के चेहरे की सुंदरता को देख करके क्यों उसके ऊपर मोहित होंगे? क्योंकि वे तो अपने स्वरूप पर मोहित हो चुके हैं, वे तो अपने आत्म ध्यान में मग्न रहने वाले हैं। ज्ञान ध्यान तपो रखता है तपस्वी से प्रशस्यते, ख्याल में आ रही है बात?
विषयाशावशाती तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रक्तस तपस्वी स प्रशस्यते। क्या दीपेश जी ख्याल में आ रही है क्या बात? ज्ञान ध्यान तप में तिलीन रहने वाले हैं हमारे महामुनिराज। न राग विरोध, न राग है न विरोध है, पांचों इंद्रियों को जीतने वाले पद को उन्होंने प्राप्त कर लिया है। ऐसे पंचेंद्रिय जयी मुनिराज हैं। मुनिराजों के 6 आवश्यक और 7 शेष गुण और बच गए। 5 महाव्रत हो गए, 5 समितियां हो गई, 5 इंद्रिय विजय हो गए, 15 मूल गुण हो गए। अब 6 आवश्यक और 7 शेष गुण सुनो। समता संवारते, समता स्तुति उच्चारे, स्तुति उच्चारण करते हैं, वंदना समता वंदना स्तुति, स्वाध्याय नित करें श्रुत रति, स्वाध्याय करते हैं, प्रतिक्रम प्रतिक्रमण और तजे तन अहमेव को, शरीर के प्रति अहमेव, शरीर के प्रति ममत्व बुद्धि, शरीर के प्रति एकत्व बुद्धि, शरीर के प्रति तन्मयता, इसका वित्याग करते हैं। ये हो गए 6 आवश्यक और 7 शेष गुण सुनो। जिनके न्योन नाते नहीं है नाए क्यों भाई साहब ये बताओ, क्योंकि नहाना यार गजब हो गई यार, नहाते ही नहीं है, नहाना चाहिए यार, गंदे रहते हैं। कि सुनो भाई, जो हमारा नहीं उसे नहलाने से हमें क्या प्रयोजन? आप कहीं दूसरों के कपड़े धोते हो क्या? दूसरों के कपड़े तो धो भी धोते हैं, हम दूसरों के क्यों धोएंगे? तो तन जब दूसरे का है तो हम काहे को धोएं उसे। और तन का श्रृंगार सुनो, तन के श्रृंगार को ब्रह्मचर्य में बाधक माना गया है, जिनवाणी ये कहती है। शरीर का श्रृंगार तत्वार सूत्र का पाठ करते हैं ना आप, तत्वार सूत्र में सूत्र है इस तरह का, स्त्री राग कथा श्रवण तन मनोहरांग निरीक्षण पूर्व रतानुस्मरण वृष्टि रस स्व शरीर संस्कार त्याग पंच। क्या तो स्व शरीर संस्कार का त्याग है ना उनके, तो शरीर संस्कार कैसे कर सकते हैं, बाल कैसे बनाएंगे? अजय आईना लगकर लेकर के बाल बनाएंगे वो? स्व शरीर संस्कार का त्याग ब्रह्मचर्य व्रत की भावना के अंतर्गत कहा है तत्वार सूत्रों में स्वामी आचार्य देव ने। देखो जरा क्या कह रहे हैं, जिनके न न्योन और दंत धोवन, न दंत धोवन दूसरा हो गया, लेश अंबर आवरण, लेश मात्र भी अंबर आवरण नहीं है जिनके ऊपर, और भूमाही पिछली रयनी में कछु शयन एकासन करण, एकासन से एक करवट से जमीन पर सोते हैं, ये उनका मूल गुण है। 4 हो गए। फिर एक बार दिन में ले आहार खड़े, मैंने इनकी बहुत विस्तार से चर्चा की है आप लोगों के बीच में, एक एक की तर्क संगत व्याख्या की है पिछले प्रवचनों में विस्तार वालों में, वो देखना सुनना, जो लोग नए लोग हो वे अवश्य उन बातों को सुनना। खड़े खड़े क्यों ले रहे हैं, बैठ करके क्यों नहीं ले रहे हैं, एक बार क्यों ले रहे हैं, कितनी कितनी बातें उनके अंदर लागू होती है, हर चीज के पीछे लॉजिक है, तर्क है, न्याय से देखते हैं। ऐसे नहीं अरे साहब किसने बना दिए यार ये नियम, नियम बनाने का सवाल नहीं है, उनकी लाइफ स्टाइल इस प्रकार की है। एक बार दिन में आहार ग्रहण करते हैं, खड़े खड़े लेते हैं, अल्प लेते हैं और निज पान में अपने हाथ में लेते हैं, केश लोच करते हैं, मूल गुण है उनका, कच्च लोच करत और क्या, परिचयों से डरते नहीं है, निज ध्यान में लगे रहते हैं, आत्म ध्यान में मग्न रहते हैं, किसी से किसी प्रकार की कोई लाग लपेट नहीं है, दुनिया जाए आग लगे बस्ती में कुछ मतलब नहीं है हमारे को, कुछ हो जाए नहीं हो हमें क्या लेना देना उससे, दुनिया की दुनिया जाने। और 2 लाइनों में तो गजब कर दिया नीचे, मुनिराजों के स्वरूप का ऐसा चित्रण कर दिया, 2 लाइनें याद कर लेना, हरि मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन तुति करण हर घाव तारण असि प्रहारण में सदा समता धरण। ओ धन्य है हमारे महामुनिराज जिनकी ऐसी समता, जिनका समता धन खरीदने को असमर्थ कुबेर भी, कुबेर भी असमर्थ है, कुबेर की सारी संपदा धन असमर्थ है जिनके समता रूपी धन को खरीदने के लिए, कैसा साम्य भाव है, आप प्रभावित रहते हैं जगत से, शत्रु हो या मित्र हो परस्पर विरोधी कितनी बातें ले दी है, विरोधाभास अलंकार का कितना सुंदर प्रयोग किया है, अरी हो या मित्र हो, महल हो या मशान हो, शमशान हो,
कंचन हो या कांच के टुकड़े हो, निंदा करने वाले हो या स्तुति करने वाले हो, गुणगान करने वाले हो, अर्घ से आरती उतारने वाले हो चाहे तलवार से प्रहार करने वाले हो, सब में सदाकाल समता भाव रखने वाले महामुनिराज होते हैं हमारे। धन्य मुनिराज की समता, धन्य मुनिराज का जीवन, धन्य मुनिराज का चिंतन, धन्य मुनिराज माने हमारे वो महामुनिराज जिन्हें देख देख करके जिनका विचार चित्त में आने मात्र से चित्त प्रफुल्लित हो जाता है। ओह कैसा जीवन है, आनंदमय जीवन जिनका सदा होता। कैसे हैं हमारे महामुनिराज, आनंद के झरने झरते प्रदेशों में निज ध्यान जब धरते हैं, ऐसे महामुनिराज। खूब चर्चा करो भाई, जितनी चर्चा करो उतनी कम है। वो अवसर कब आएगा जब विषयों में सुख बुद्धि टूटेगी और उनमें सुख बुद्धि टूटकर भोगों के प्रति आसक्ति टूटकर ये वैराग्य जागृत होगा, संयम रूप अवस्था होगी। चैतन्य सुरभि की पुष्प वाटिका में विहार करेंगे, चैतन्य की सुगंध होगी, अंदर का आनंद होगा, बाहर का रस जब टूट जाएगा, रस नीरस हो जात तत्क्षण, अक्ष विषय न सुहावे, जब निज आत्मा अनुभव आवे। जब आत्मा का अनुभव आता है, जब अंदर का स्वाद आता है, तो विषयों का रस नीरस हो जाता है, फिर वो सुहाता नहीं है। देखो मुनिराजों का तप, 12 प्रकार के तप तपते हैं, 7वां छंद, 10 प्रकार के धर्मों को धारण करते हैं, रत्नत्रय का सेवन करते हैं, सदा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन करते हैं, साथ में विचरण करते हैं कि एकाकी रहते हैं, और भव सुखों को कभी भी नहीं चाहते। कदा माने कभी भी, कदा यदा माने जब जब, यदा यदा ही धर्मस्य लानिर्भवति भारत है, महाभारत में बोलते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं, कदा माने कभी भी भव का सुख क्यों चाहेंगे। अरे ये तो गृहस्थ नहीं चाहते, जांचू नहीं सुरवास पुनिनर राज परिजन साथ जी, बुद्ध जांचे हूं तुम भक्ति भव भव दीजिए शिवनाथ, कुछ नहीं चाहिए मुझे, राज्य नहीं चाहिए, संपदा नहीं चाहिए। अरे कहते हैं सुनो, दर्शन पाठ के अंदर तो इतना कहते हैं, सुनो हे जिनेन्द्र देव, जैन धर्म के बिना चक्रवर्ती होना भी नहीं चाहता, नहीं चाहता जैन धर्म बिना में चक्रवर्ती होना, और नहीं अखरता जैन धर्म के सहित दरिद्री भी होना। लो हे जिनेन्द्र देव, ये भावना भाताओं में फिर से नर जन्म और यही जिन धर्म की शरण मिले, ये भावना है हमारी, जिन धर्म मिले, जिन जिन धर्म की शरण मिले, जिन वचन मिले हमारे को, मां भाग्य से मिल गया है ये। इस तरह तो सकल संयम की बात कह दी, अब स्वरूपाचरण चारित्र की बात करते हैं। क्या बात कर रहे हो स्वरूपाचरण की, बोले जिसके होने पर अपनी निधि प्रकट हो जावे और पर की सारी प्रवृत्तियां मिट जावे, पर की प्रवृत्तियां मिट जावे, उसका नाम है स्वरूपाचरण चारित्र। स्वरूप में आचरण, स्वरूप में लीनता, आत्म स्वरूप में मग्नता, चैतन्य चैतन्य भास रहे हो रे, बस इसके अलावा कुछ नहीं। माने जिन्हें चैतन्य का आनंद आता है, फिर उन्हें कंकड़ीली जमीन कष्टदायक नहीं लगती, फिर उन्हें नंगे पैर चलने में कष्ट नहीं दिखता है, फिर आहार मिले चाहे नहीं मिले, जगत ये कह रहा है महाराज का 3 दिन से अंतराय हो रहा है, और महाराज ये कह रहे हैं अंदर के आनंद को भोग रहे हैं, अंतराय कर्म की निर्जरा कर रहे हैं, उसका उदय आ रहा है और उसकी निर्जरा हो रही है, आनंद को भोग रहे हैं मुनिराज। माने ये मुनिराज क्या है भाई साहब, जीवन सोच सोच करके ऐसा लगता है आनंदमय जीवन है मुनिराजों का। स्वरूपाचरण, जिससे अपनी निधि प्रकट हो जावे, जिसके होने पर प्रकटे अपनी निधि और सारी पर की प्रवृत्तियां मिट जावे, उसका नाम है स्वरूपाचरण चारित्र। कि साहब कुछ तो बताओ स्वरूपाचरण चारित्र के बारे में, कुछ तो बात बतलाओ, बताएं तुम्हारे को, सुनो स्वरूपाचरण क्या होता है, स्वरूपाचरण कैसे होता है, स्वरूपाचरण की प्रक्रिया क्या होती है, स्वरूपाचरण ध्यान की चारित्र की विधि क्या है। बोले जिन्होंने अपने ज्ञान रूपी अत्यंत पैनी छेनी को अपने अंतर में डालकर, क्या कहा, जिन्होंने परम पैनी अत्यंत तीक्ष्ण सुबुद्धि रूपी छेनी को, छेनी समझ गए आप, छेनी को अंदर में डालकर भेद कर दिया है, किस किस में भेद कर दिया है, वर्णादि और रागादि थे निज भाव समय सार की 50 नंबर गाथा से लेकर 55 नंबर तक गाथा है, 50 से 55 6 गाथाओं का ग्रुप है,
29 बोल बतलाए हैं उसमें, 50 से 55 नंबर तक गाथा में। उन 29 बोलों को दो भागों में बांटा है, वर्णादि में और रागादि में, 29 बोलों को। तो वर्णादि और रागादि तेन निज भाव को न्यारा किया कह करके कहना चाह रहे हैं कि तू 29 बोलों से रहित है, तेरा ज्ञायक प्रभु परमात्मा देह देवालय में विराजमान, ये शुद्ध है। अपने आप को देख, अपने ज्ञायक स्वरूप को देख, इस स्वरूप में विकार नहीं है, इस स्वरूप में अशुद्धता नहीं है, इस स्वरूप में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, तू भरा पूरा हाजरा हुजूर जो का त्यों मौजूद है। बोल, सबके पल्ले लाल, लाल बिना कोई नहीं, और काए भये कंगाल, कंगाल क्यों घूम रहा है, गांठ खोल देखी नहीं, गांठ में माणिक बंधा हुआ था, रत्न बंधे हुए थे, गांठ में बांध लेते हैं ना पल्ले की गांठ में, और गांठ में बांध करके लटकाया हुआ था और पता नहीं, और दरिद्र बन करके दर दर की ठोकरें खा रहा था, क्या क्या हुआ, काहे भय कंगाल कि गांठ खोल देखी नहीं। अरे जिस सुख की तलाश में दर दर की ठोकरें खा रहा है, जिस सुख की तलाश में बाहर में भटक रहा है, वो सुख तो तेरे भीतर है भाई, अंदर देख, भीतर का आनंद ले, अंदर के स्वभाव का आनंद ले, अंदर का आनंद ही कुछ अपूर्व होता है, बाहर में है नहीं आनंद। जग के सुख तो मृग तृष्णा है, झूठे हैं उनके पुरुषार्थ। तो जिन्होंने अपनी ज्ञान रूपी प्रज्ञा छेनी को अंदर में डालकर अपने स्वभाव को रागादि और वर्णादि से भिन्न कर लिया, वर्णादि और रागादि ते निज भाव को जिन्होंने न्यारा कर लिया, फिर क्या हुआ, अपने में ही, आठवां छंद, अपने में ही, अपने ही लिए, अपने ही द्वारा अपने आप को स्वयं ने ग्रहण कर लिया। कोई अड़चन डालने वाला नहीं है इस स्वरूपाचरण चारित्र में, स्वरूपाचरण चारित्र में लीन होने में विघ्न बाधाएं नहीं होती है। जब यह जीव स्वरूपाचरण चारित्र में मग्न होने का प्रयास करता है तो अंतराय कर्म आड़े नहीं आता है, अंतराय आ गया साहब, अंतराय आ गया। अरे अंतराय बाहर में विघ्न कितने भी करें, लेकिन अंदर में जाने में कहां विघ्न है बताओ मुझे, अंदर में जाने में विघ्न नहीं होता, अपने स्वभाव का अवलंबन लेने में अंतराय कर्म बाधा नहीं करता, ज्ञानावरणी कर्म बाधा नहीं करता। दुनिया के संयोग, परिस्थितियां, प्रतिकूलताएं, परिचय और उपसर्ग, ये परिस्थितियां बाधा उत्पन्न नहीं करती है, क्योंकि इनके काल में तो और ज्यादा स्वरूप में मग्न होते हैं। ज्यों ज्यों बाहर में परिचय दिखता है, त्यों त्यों अंदर में जमते चले जाते हैं। सैकड़ों हजारों उदाहरणों से शास्त्र भरे पड़े हैं, प्रथमानुयोग के ग्रंथ भरे पड़े हैं, उपसर्ग केवली, उपसर्ग केवली तो नाम ही ऐसा दे दिया, उपसर्ग के काल में जिन्हें केवल ज्ञान हो गया। सात प्रकार के केवली होते हैं, सात प्रकार के केवलियों में तीन तो तीर्थंकर केवली है, बोलो, एक सातीशय केवली है जिनकी गंधकुटी लगती है, एक मूक केवली है जो सामान्य केवली कहलाते हैं जिनकी वाणी नहीं गिरती है, एक अंतःकृत केवली है और एक उपसर्ग केवली है। उपसर्ग केवली, उपसर्ग के काल में, माने उपसर्ग कितना भी होवे वो बाधा उत्पन्न करने वाला नहीं है, परेशान करने वाला नहीं है। देखो आप क्या होता है उसमें, स्वरूपाचरण की स्थिति कैसी होती है, गुण गुणी, ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय, इनमें किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं होता। समझ में आ रही है बात है? क्या ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय का किसी भी प्रकार का भेद नहीं होता इसके अंदर, कछु भेद न रहे हो। और इतना ही नहीं, ध्यान का, ध्याता का, ध्येय का कोई विकल्प नहीं, वचन भेद नहीं, न जहां चिद भाव, ओ चैतन्य का परिणाम ही कर्म है, चिदेश ही करता है, चैतन्य ही करता है, और चेतना ही जहां पर क्रिया है, चेतन, चेतना और चैतन्य, चेतन द्रव्य, चैतन्य गुण और चेतना पर्याय। और मैंने तीन अक्षरी दोहा सुनाया था आपको, यहां ध्यान होगा, चेतन चेते चेतना तो चेते चित चैन, और ताते चेतन चेत तू चेतन ता नितनैन, कभी अवसर बनेगा तो अर्थ करेंगे। देखो तीनों, कर्ता कर्म क्रिया, ध्याता ध्यान ध्येय, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, तीनों अभिन्न हो गए हैं, जहां भेद ही नहीं। अरे कौन भगवान और कौन पुजारी, कौन पर्याय और कौन द्रव्य, ये भेद नहीं रहा है। उस पर्याय के, क्षणिक पर्याय के, एक समय में नष्ट होने वाली पर्याय के ये बोल होते हैं कि मैं तो त्रिकाली हूं। बोलो,
जो पर्याय अगले समय नष्ट होने वाली है, वो पर्याय अपने आप को त्रिकाली अनुभव कर रही है, अपने आप को प्रभु अनुभव कर रही है। तीनों अभिन्न अखिन्न शुद्ध उपयोग की ऐसी निश्चल दशा होती है जहां प्रकट होती है दर्शन ज्ञान चारित्र सब एक स्वर में एक धारा में बहते हुए नजर आते हैं। क्या स्वरूप है मन राजों का, क्या स्वरूप है चरित्र स्वरूपाचरण चारित्र का, देखो आप अब उस आनंद की दशा कहते हैं कैसा है वहां। और क्या होता है, प्रमाण का विकल्प नहीं है, नए का विकल्प नहीं है, निक्षेप का विकल्प नहीं है। हमारे नए नए साथी बहुत सारे होंगे जो प्रमाण नहीं जानते होंगे, नए नहीं जानते होंगे, निक्षेप नहीं जानते होंगे। धैर्य रखना, कोई बात नहीं, दो शब्द समझ में नहीं आए तो क्या फर्क पड़ गया है। मूवी में कई बातें समझ में, अरे मूवी तो छोड़ो, ये जो गाने चलते हैं ना मूवीज के, उन गानों में कई कई लाइनें पूरी की पूरी समझ में नहीं आती, ऊपर से चली जाती, फिर भी बोलता रहता है, गुनगुनाता रहता है, पता नहीं क्या क्या बोलता है, शब्द ही ऐसे उठपटक, हमें तो शब्द ही पल्ले नहीं पड़ते, बोल क्या रहे हैं, और धाम धूम ऐसा म्यूजिक चलता है, और उसका भाव क्या है। पुराने गानों में कम से कम कुछ भाव तो होते थे, आजकल तो कुछ भाव भाव कुछ नहीं होते। तो भाई कोई बात नहीं, नहीं समझ में आए तो नहीं सही, लेकिन कुछ इस तरह की चीजें होती है, ज्ञान में चलने वाली विकल्पात्मक दशा होती है, उनका उद्योत अनुभव में दिखता नहीं है, अनुभव में नहीं दिखता है। अनुभव के काल में प्रमाण नए निक्षेप नहीं होते, दर्शन ज्ञान सुख बल आनंद बस यही यही यही, अन्य कोई भाव नहीं दिखाई देता। ज्ञान दिखता है, दर्शन दिखता है, सुख दिखता है, वीर्य दिखता है, चारित्र दिखता है, आनंद आनंद आनंद, बस अंदर के अनंत गुण दिखते हैं, जीवत्व शक्ति दिखती है, चिति शक्ति दिखती है, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति, वीर्य शक्ति, ऐसी अंदर की शक्तियां दिखाई देती है, न आनुभाव अन्य भाव नहीं दिखाई देते। मैं साधक, मैं साध्य, अबाधक हूं, बाधा रहित हूं, कर्म से और कर्म के फल से, मैं चैतन्य का पिंड हूं, चंड हूं, प्रचंड हूं, अत्यंत तेज से युक्त हूं, अखंड हूं, अनंत गुणों का अखंड पिंड हूं, और कलुषता और कालिमा से च्युत नहीं होने वाला ऐसा स्वरूप हूं मैं। ये मेरा ऐसा ज्ञायक स्वरूप है जो अशुद्धता से रहित है। इस तरह का चिंतन, मैं कौन, मेरा क्या स्वरूप, यह आत्म तत्व कैसा है, पर से भिन्न, पर्याय से भिन्न, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, इनसे रहित अपना चैतन्य प्रभु परमात्मा, ज्ञायक, अमूर्तिक, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, शक्तियों का संग्रहालय, गुणों का गोडाउन, ज्ञान का घनपिंड, स्वयं प्रभु परमात्म स्वरूप, ऐसा जो इस देह देवालय में विराजमान है। चिंतन करो अपनी शक्तियों का, एक एक शक्ति का चिंतन करो, एक एक बात का चिंतन करो थोड़ा गहराई से। यो चिंत्य और निज में थिर भये, फिर क्या होगा, क्या होगा बोलो भाई। इस तरह से चिंतन करके यो चिंत्य निज में थिर भये तेन उनको, तब क्या होगा, अकथ बोला नहीं जा सकता जो आनंद ले हो। ओहो, ऐसा आनंद आता है, ऐसा आनंद आ रहा है उन मनराजों को। सो इंद्र नाग नरेंद्र वा अहमिंद्र के नाही कहो, ओ इंद्रों के नहीं है, अहमिंद्रों के नहीं है, नरेंद्रों के नहीं है। तीन तीन गतियों की उपमा देने के लिए तीन शब्द दे दिए, इंद्र माने ऊर्ध्व लोक वाले, नाग माने अधो लोक वाले, और नरेंद्र माने मध्य लोक वाले। नरेंद्र माने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वाले नहीं, भारत वाले नहीं, पूरे मध्य लोक में, पूरे ढाई द्वीप नहीं, असंख्यात द्वीप समुद्रों में, ऐसा अकथ आनंद तीनों लोकों में कहीं नहीं है। देवों में तो कहां होगा भाई साहब, असंयमी है उनमें, वो कहां आनंद है। गृहस्थ चतुर्थ गुणस्थानवर्ती क्या भोगेगा, घर गृहस्थी में रहने वाला विषय कषाय की आग में जल रहा है। पंचम गुणस्थानवर्ती को भी वो आनंद कहां है। मनराज भोगते सुख की खान, आत्मानुशासन का हवाला दिया था मैंने सुबह आपको, आत्मानुशासन की दो पंक्तियां सुनाता हूं आपको, पद्यानुवाद अभय जी भाई साहब का। निर्धन जन धन बिना दुखी, हर तृष्णा से दुखमय धनवान, सभी भोगते कष्ट मात्र मुनिराज भोगते सुख की खान। क्या कितने सुंदर बात कहती है, निर्धन जन धन बिना दुखी, अजू भैया याद है क्या, निर्धन जन धन बिना दुखी, हर तृष्णा से दुखमय धनवान।
सभी भोगते कष्ट मात्र, मुनिराज भोगते सुख की खान। क्या ये कह रहे हैं? ऐसा आनंद अकत जो आनंद लयो, सो इंद्र नाग नरेंद्र व अहमेंद्र के नाही कहो। ऐसे आनंद में मग्न हो गए हैं, बाहर में उपसर्ग और परिचयों की चिंता नहीं है, बाहर का किसी तरह का कोई विचार विकल्प नहीं है और उपयोग अपने अंदर में मग्न हो गया है। फिर क्या होता है? ध्यान में मग्न, साधना में लीन, स्वरूप में स्थिर, उपयोग अपने स्वरूप में परमानेंट स्थिर हो गया, शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि जलने लगी अंदर, ध्यान रूपी अग्नि। तभी शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि के माध्यम से चौं घाती विधि, चार घातिया कर्मों को, कर्मों रूपी कानन माने जंगल को दहो, आग लगा दी उसमें। ज्ञानावरण जल करके भस्म हो गया, दर्शनावरण भस्म हो गया, मोहनी और अंतराय जाता रहा, ये चार घाती कर्म नष्ट हो गए हैं। तब क्या हुआ? केवल ज्ञान हो गया। लखियो केवल ज्ञान, केवल ज्ञान करी भवि लोक को शिव मग कहो, भव्य जीवो रूपी संसार को मोक्ष का मार्ग उन्होंने कहना प्रारंभ कर दिया। चार घाती कर्म नाशे ऐसे अरिहंत हैं, अनंत चतुष्टयधारी श्री भगवंत हैं, ऐसे प्रभु ऐसे परमात्मा ऐसे केवल ज्ञानी भव्य जीवों के लिए शरण भूत आनंद भूत आनंद कर देने वाले शिव मग मोक्ष का मार्ग कहने लगी। केवल ज्ञान हो गया था, सर्वज्ञ बन गए थे, वीतरागी पहले हो गए थे और अब हितोपदेश भी उनका यहां प्रारंभ हो गया, अरहंत अवस्था की प्राप्ति हो गई। देखो आप कहानी पूरी करेंगे दौलत राम जी, कहानी शुरू की थी पहली डाल में, कहानी को पूरी करने की तरफ बढ़ रहे हैं। अब कहां पहुंच गए? अब बचे हुए आघाती पुनी, उसके बाद घातिया कर्मों को नष्ट कर देने के बाद अघातिया कर्म भी जिनके नष्ट हो गए हैं और क्षण मात्र में ही आठवीं भूमि पर जाकर के जो विराजमान हो गए, अष्टम भू वसे, अष्टम वसुधा पाने को कर्मे ये आठों द्रव्य लिए। ये अष्ट द्रव्य क्यों समर्पित कर रहे हैं? हे जिनेन्द्र देव, आपकी पूजन किस लिए कर रहा हूं? स्वार्थी हूं, मेरा जमीन का मैटर सुलझ जाए इसलिए नहीं, मुझे वो जमीन मिल जाए इसलिए। जमीन के लिए क्या बात कर रहे हो आप? अर्घ चढ़ा रहे हो जमीन के लिए? हाँ जमीन के लिए चढ़ा रहा हूं। कौन सी भूमि? आठवीं भूमि की प्राप्ति हो जाए, सिद्ध शिला कहलाती है आठवीं भूमि, नाम है उसका ईशत प्रागभार पृथ्वी, ईशत प्रागभार पृथ्वी, वहां सेंटर में सिद्ध शिला, सिद्धों का मार्ग वहां से शुरू होता है, सिद्ध परमात्मा उसके ऊपर कुछ ऊपर जाकर के विराजमान होते हैं। ऐसे सिद्ध भगवान सिद्ध दशा, आठ कर्म नष्ट हो गए, आठ गुण जिनके प्रकट हो गए, सम्यक्वादी जिनके अंदर में सुशोभित हो गए हैं, अरे संसार रूपी खारे पानी के समुद्र को तर करके जो किनारे पर लग गए हैं। क्या लाइन बोल दी पूरी मैंने बिना पढ़े? संसार खार खारे पानी के अपार, अपारावार मतलब समुद्र, अपार समुद्र को तरी तैर कर तीर ही किनारे पर पहुंच गए हैं, अविकार विकार से जो रहित हो गए हैं, अकल शरीर से जो रहित हो गए हैं, अरूप रूप से जो रहित हो गए हैं, शुचि माने पवित्र हो गए हैं, चैतन्य रूप है अविनाशी हो गए हैं, सदा सदा के लिए जिन्होंने सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लिया है। क्या स्वरूप है भाई साहब? फिर क्या होगा भैया? अब इस सिद्ध दशा को प्राप्त करने के बाद में क्या होगा? अब सारी दुनियादारी छूट गई, अरे सारी दुनिया अंदर में ही दिखने लग गई, कौन दिखेगा? अब सिद्ध ही होंगे चारों ओर, और कुछ नहीं है? कितने सुंदर सुंदर लाइनें हैं भजनों की, ऐसा लगता है गुनगुनाते रहो उन भजनों को। तब सिद्ध ही होंगे चारों ओर, क्या सिद्ध सिद्ध सिद्ध, अनंत अनंत सिद्ध, एक माही एक राजे, एक माही अनेकनो, ऐसी स्तुतियां पुरानी चला करती थी। लोक आलोक गुण पर जाए, अपने ज्ञान में अपने चैतन्य लोक में प्रतिबिंबित हो गए हैं। क्या सारा लोकालोक, लोकालोक झलकता जिसमें ऐसा प्रभु का केवल ज्ञान। दर्पण तल इव सकला, दर्पण के समान सारे पदार्थ मालिका जिसमें झलकती है ज्यों के त्यों।
अरे अमृत चंद्राचार्य देव 220 गाथा की टीका में ऐसी बातें कहते हैं प्रवचन सार ग्रंथ में, मानो सारे जगत के पदार्थ उनके ज्ञान में घुस गए हों, समा गए हों, कीलित हो गए हों, डूब गए हों, प्रतिबिंबित हो गए हों, समा गए हों, चित्रित हो गए हों, कीलित हो गए हों, ऐसे शब्दों के प्रयोग करते हैं। केवल ज्ञान में सारा लोकालोक झलक रहा है। हे साहब, ऐसी दशा कब तक, कितने लंबे टाइम तक चलेगी, कुछ तो बताओ। रही है अनंतानंत काल यथा तथा शिव परिणहे बाबा। रही है अनंतानंत काल, अब कहाँ आने जाने का काम, सब बंद हो गए, सब रुक दिया, बोलो क्वारंटाइन कर दिया साहब, बंद हो गए साहब, कहीं नहीं जा सकते हो साहब, 14 दिन के लिए बंद हो गए साहब। किसों ने 14 दिन के लिए नहीं, 14 राजू पार करके लोक के शिखर पर जाकर के क्वारंटाइन हो गए, सदा सदा के लिए सुरक्षित हो गए, अपने स्वरूप में मग्न हो गए। क्या 14 दिन नहीं, 14 राजू ऊंचे जाकर के लोक के शिखर पर जाकर के विराजमान हो गए। क्या स्वरूप है यार सिद्ध भगवान का, लोक शिखर पर जाकर के विराजमान हो गए, कोई होना ही नहीं चाहता है। अरे उसमें जो आनंद है, जिन्हें जगत में देखो सुनो भाई, निज घर बिना विश्राम नाही। कहीं भी घूम लो आप, सारे दुनिया के कितने चक्कर लगाया है हमें, सारे दुनिया भर में घुमाया कितनी ही बार, कितने ही देशों में, कितने ही शहरों में। अमेरिका में रहने वाले अमेरिका इतना नहीं घूमे होंगे जितना मैं घूमाया, जितने प्रांतों में, जितने शहरों में, कहीं सुख नहीं है। 5 स्टार फैसिलिटी मिले आपको, 7 स्टार फैसिलिटी मिले, लेकिन घर तो घर ही है। बाहर में घूमने फिरने और भटकने वाले जीवों को अनेक प्रकार के संकट हैं, और निज घर में आ जाने के बाद में बाहर कितने आंधी तूफान चलते हो, सुरक्षित हैं, सुरक्षित हैं। सिद्ध भगवान अपने स्वरूप में सदा सदा के लिए मग्न हो गए हैं। रही है अनंत अनंत काल, कैसे, जैसे के तैसे मोक्ष अवस्था में, यथा तथा जैसे के तैसे। धन्य है ये जीव, अरे भाई धन्य है वे, भाग्यशाली है वे, जिन्होंने मनुष्य जन्म प्राप्त करके ये काम किया, जिन्होंने मनुष्य जन्म प्राप्त करके संयम अंगीकार किया, जिन्होंने मनुष्य जन्म प्राप्त करके मुनिव्रत अंगीकार किया, जिन्होंने मनुष्य जन्म प्राप्त करके स्वरूपाचरण चारित्र धारण करके अपने इस मनुष्य जन्म को सफल करते हुए अनंत और सिद्ध दशा की प्राप्ति हुई, धन्य है वे जीव, नर्भव पाए यह कार्य किया। कि क्या काम कर लिया साहब, ऐसा ऐसा क्या काम किया उन्होंने कि अनादि भ्रमण पंच प्रकार, पंच प्रकार का परिभ्रमण, पंच प्रकार का परावर्तन तज कर उत्तम सुख ले लिया है। यह मनुष्य जन्म की सार्थकता है। कल करूंगा एक प्रवचन बीच में, परसों से पुरुषार्थ सिद्धि उपाय शुरू करेंगे, कल करूंगा चर्चा आप लोगों के बीच में मनुष्य जन्म की, इस मनुष्य जन्म की दुर्लभता की, हमें क्या मिला है और हम कहां खो रहे हैं, क्या पाकर के क्या खो रहे हैं, इसकी चर्चा। धन्य कैसे किया जाए, धन्य करो आप अपने जीवन, सफल करो आप अपने जीवन को, आपका जीवन किस प्रकार से सफल होगा उसकी कुछ चर्चा होगी यहां पर। पंच प्रकार के परावर्तनों को छोड़कर जिन्होंने उत्तम सुख प्राप्त कर लिया है, धन्य है वे जीव, धन्य है वे जीव। देखो मुख्य और उपचार के भेद से 2 प्रकार के रत्नत्रयों को धारण करने वाले वे भाग्यशाली महामुनिराज रत्नत्रयधारी जिन्होंने धारण कर लिया है वे मोक्ष चले गए हैं, और जो भविष्य में धारण करेंगे वे मुक्ति प्राप्त करेंगे, उनका सुयश, उनकी महिमा है, उनका यशोगान, उनका कीर्तन, कीर्तन रूपी जल जगत के मल को हर देने वाला है। माने ये कह रहे हैं दौलत राम जी, कह रहे हैं मैंने जो अरहंतों का गुणगान किया है, मैंने जो सिद्धों का गुणगान किया है, मैंने जो अरहंतों और सिद्धों का स्वरूप बतलाया है, उनका यशगान गुणगान किया है, मेरे द्वारा किया गया ये कीर्तन मेरे जन्म रूप जन्म मरण रूपी मैल को धोने के लिए जल के समान है। मैं भक्तावर में प्रयोग किए इस तरह के कीर्तन आज जल, इस तरह के आपका जो कीर्तन रूपी जो जल है, ऐसे शब्द प्रयोग किए हैं। इमी जानी, प्रेरणा है भैया, प्रेरणा दे रहे हैं। ऐसा जानकर आलस को छोड़कर साहसी बनकर हमारी सीख का पालन करो, हम जो शिक्षा दे रहे हैं उस शिक्षा को अपने हृदय में स्वीकार करो। कि क्या शिक्षा है महाराज, अंतिम सीख बतला दो जाते जाते। छठी डाल खत्म कर रहे हैं, खत्म हो गया 6 डाला डाल है। बोले जब लो ने रोग जरा गए बेटा, ध्यान रखना जब तक तेरे को बुढ़ापा नहीं आ जाए, ध्यान रखना। क्या
जब तक तेरे को बीमारियां आकर के घेर नहीं लेवे, ध्यान रखना बेटा क्या होगा। जब लो ने रोग जरा गए तब लो झटिती झटिती शीघ्रता से फटाफट काम कर ले, निज हित करो। क्या तब लो झटिती निज हित करो, जब लो ने रोग जरा गए तब लो झटिती निज हित करो। भैया ये राग तो आग है, दे रही है, जल रही है, ये आग अंदर में सुलग रही है, धधक रही है, इसलिए समता रूपी अमृत का पान करो। चिर भजे विषय कषाय, आज तक विषय कषाय का अनादि काल से भोग करता रहा, जन्म से अभी तक पांचों इंद्रियों के विषयों को भोगता रहा, न मालूम कितने प्याले खीर के पिए होंगे, न मालूम कितने चम्मच और कितनी कटोरियां भर भर करके बादाम का हलवा खाया होगा, न मालूम कितने रसगुल्ले खाए हैं, न मालूम कितने डोसे खाए हैं, कितने कचौरी समोसे पकौड़ी पकौड़े खाए हैं, तृप्ति नहीं मिली, कभी तृप्ति नहीं मिली, शांति नहीं मिली। खूब भोगे हैं, भोगों को भोगा है, विषयों को भोगा है, पांचों इंद्रियों के विषय भोगों को भोगता 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 रहा है। चिर भजे विषय कषाय, अब तो त्याग, अब तो छोड़, अब तो छोड़ इसे, निज पद बेइए, अपने पद और अपने स्वरूप को जानिए। दौलत राम जी कह रहे हैं, अरे प्रभु कहाँ रचा हुआ है तू पर पद में, कहाँ रचो पर पद में, न तेरो पद, पर पद में तेरा पद नहीं है, तू क्यों दुख सहता है। और दौलत राम जी अपने आप को संबोधन करते हुए कहते हैं, हे दौल, हे संजीव, हे अजय, हे विजय, हे संजय, सुन रहे हो क्या, आप क्या कह रहे हैं। दौल हो सुखी स्वपद रची और दाव मत चूको, यह है ये अंतिम दाव है, ये चूकने योग्य नहीं है, ये छोड़ने योग्य नहीं, क्या ये अवसर गंवा देने योग्य नहीं है, अंतिम दाव है, अंतिम दाव, अंतिम मौका है, ये मौका चला जाएगा तो फिर क्या होगा भैया। तो इस तरह से दौलत राम जी ने कहा, दाव मत चूको, यह इस दाव को चूकने योग्य नहीं है। अंतिम प्रशस्ति लिख दी, अंतिम प्रशस्ति संवत 1981 1891 का संवत, विक्रम संवत की बात कर रहे हैं, विक्रम संवत 1891 में वैशाख मास का शुक्ल पक्ष और तृतीया तिथि, उस दिन मैंने ये तत्व उपदेश छेड़ाला पूरी की है, लखी बुद्ध जन की भाक, बुद्ध जन जी की छेड़ाला को देखकर मेरे द्वारा दिए गए इस उपदेश में, मेरे द्वारा किए गए इस वर्णन में, यदि छोटी और बड़ी मात्राओं से अपनी कम बुद्धि से, लघु धी, धी माने होता है बुद्धि, कम बुद्धि से या प्रमाद से कोई शब्द अर्थ की कोई भूल हो गई हो, तो आप सब सुधी हैं, आप सब समझदार हैं, सुधार करके पढ़ो, जो पाओ भव भूल, यदि आप संसार का किनारा प्राप्त करना चाहते हैं तो। मैं भी यही बात कहना चाहता हूं सज्जनों आपको, जैसी बात दौलत राम जी ने कही है वैसी बात मैं भी आपको कहना चाहता हूं, कि इस छेड़ाला का वर्णन करने में, इस छेड़ाला की पूरी कथा को सुनाने में, यदि मेरे माध्यम से भाषा में किसी भी तरह के वर्णन में कुछ शब्द और अर्थ की भूल हो गई हो, तो आप अवश्य उसे सुधार करके ग्रहण करेंगे, उसका अन्यथा अर्थ ग्रहण नहीं करेंगे, ऐसी हम सभी से आपसे अपेक्षा रखते हैं। आप सभी जनवाणी के रहस्यों को समझकर, अपने स्वरूप को जानकर पहचानकर, अल्प काल में उस सिद्ध अवस्था की प्राप्ति करें, इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। कल फिर मिलेंगे मनुष्य जन्म की दुर्लभता के साथ में आपके बीच में, और परसों से पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नाम का ग्रंथ, चरणानुयोग का बहुत सुंदर ग्रंथ है, अद्भुत ग्रंथ है, टोडरमल जी की टीका है, अमृत चंद्र आचार्य का लिखा हुआ है, श्रावकों के आचरण को बतलाने वाला है, जो चर्चा यहाँ अणुव्रतों के संदर्भ में की थी अपन ने, दिग्व्रत देशव्रत आदि के संदर्भ में की थी, अष्ट मूल गुणों के संदर्भ में की थी, चौथी डाल में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के संदर्भ में होगी, संलेखना के संदर्भ में होगी, समाधि के संदर्भ में होगी, अरे अनगिनती बातें वहाँ हमें जानने को मिलेगी। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं, ओम नमः शिवाय। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप।